मैं आपको दिखाता हूँ मिक्स आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ से स्ट्रॉबेरी और एक तरफ से वनीला। तो ये कितने केजी की पैकिंग हो रही है सर अभी? ये भी 4 लीटर का पैक बन रहा है, जो कि बल्क पैक होता है। जो भी हमने कलर एंड फ्लेवर ऐड किया हुआ है, इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे, ताकि मिक्स के अंदर पूरा जो फ्लेवर है अच्छे से घुल जाए। जो मशीनरी आपको लगेगी, मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले जो चाहिए होगा आपको, पैश्चराइजर टैंक। इस मशीन को बोलते हैं कप एंड कोन फिलिंग मशीन, जो कि 1 घंटे में 3000 कप या कोन ऑटोमेटिकली पैक कर सकती है। ये जो आप मोल्ड जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब अलग अलग तरह तरह के कैपेसिटी के मोल्ड्स हैं। कुछ कुल्फ़ी के भी हैं, जैसे आप कुल्फ़ी आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो कुल्फ़ी बनती हैं वो लंबी वाली कुल्फ़ी है, पंजाबी कुल्फ़ी बोलते हैं। ऐसे ही दूसरे मोल्ड्स हैं, इसमें आप ऑरेंज बार, बबल गम वगैरह जो आपको बनाना है, मैंगो आइसक्रीम डॉली वो बना सकते हैं। ये कोल्ड रूम है, इसमें -25 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, काफ़ी ठंड होती है इसके अंदर। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और आज मैं आपको एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेकर आया हूँ जहाँ पर आइसक्रीम की लाइव मैन्युफैक्चरिंग तो आप देख ही पाएंगे, पूरे प्लांट का सेटअप वो भी ले सकते हैं और बेहद कम कॉस्ट में इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो क्या मशीनरी की रेंज अवेलेबल है और किस तरह से वर्क करते हैं, वो सब हम जानने वाले हैं। तो हेलो सर, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत बढ़िया सर। सर क्या कंपनी का नाम है और किस तरह से कंपनी वर्क करती है? हमारी कंपनी का नाम है डायमंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ये 32 साल पुरानी कंपनी है और उत्तर प्रदेश नोएडा में हमारी कंपनी है। ऑफिस भी यहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ है। हम लोग आइसक्रीम की पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और जिसको आइसक्रीम इंडस्ट्री में आना है, अपना ब्रांड बनाना चाह रहा है, उसको पूरा हम ए से लेकर जेड तक का सपोर्ट करते हैं। हम मशीन से लेकर उसकी रेसिपी, फ्लेवर, पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से लेना है, पूरा जानकारी हम लोग देते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, साथ में आप सारा प्रोसेस भी समझ पाएंगे। अगर आप भी एक नया बिजनेस स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी आइसक्रीम से रिलेटेड, तो ये बेस्ट टाइम है आपको एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। और जैसे सीजन शुरू होगा तो उस टाइम पर अपना जो प्रोडक्शन है वो आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सर आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग किस मशीनरी से करने वाले हैं, जो कि पूरा आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का आपने पूरा सेटअप लगाया हुआ है यहाँ पर? तो ये जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूँ, ये उन भाइयों के लिए है जो कि आइसक्रीम बिजनेस में आइसक्रीम का ब्रांड चालू करना चाहते हैं। जो मशीनरी आपको लगेगी, मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले जो चाहिए होगा आपको, पैश्चराइजर टैंक, यानी कि ऐसा टैंक जो कि दूध को उबाल करके उसका मिक्स को पका करके मिक्स तैयार करता है। इस टैंक की खासियत क्या है, ये आपको 1 घंटे में 500 लीटर दूध गर्म करके उसको पैश्चराइज करके आपको दे देता है। इसी के अंदर सारा रॉ मटेरियल, दूध, शक्कर, ग्लूकोज, प्रिजर्वेटिव, सारा कुछ इसके अंदर डाला जाएगा और इसको पकाया जाएगा। जब ये काम ख़त्म हो जाता है तो मिक्स को हम प्रोसेस कर देते हैं आगे के लिए। इसका काम आता है फिल्टर, ये मिल्क फिल्टर बोलते हैं, इसको फिल्ट्रेशन के लिए काम आता है। इसके बाद आता है मिल्क पंप, जो कि पंप क्या करता है, वहाँ से मिल्क को खींच करके आगे की तरफ भेजता है। जब वहाँ से प्रोसेस हो जाता है तो इस मशीन में मिल्क आता है। मिल्क यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ये पार्टिकल को ब्रेक करता है। जो भी मिल्क के अंदर पार्टिकल होते हैं, फैट, प्रोटीन, जो भी पार्टिकल होते हैं, उसको ये ब्रेक कर देता है, जिसके वजह से क्या है, आइसक्रीम की क्वालिटी को इन्हेंस हो जाता है। इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है प्लेट हीट एक्सचेंजर। इसका काम क्या होता है, ये टेम्परेचर को ब्रेक करता है। वहाँ से 80 डिग्री 85 डिग्री पे टेम्परेचर आता है, ये इसको 30 डिग्री पे ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद जो मिक्स जाता है यहाँ पे आता है। अब इस टैंक को बोलते हैं एजिंग टैंक, यानी दूध को ठंडा करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो ये टैंक पूरा करता है। ये 4 डिग्री पे दूध को ठंडा कर देगा 1 घंटे में। ओके, जब हमारा टैंक तैयार हो जाता है मिक्स प्रोसेस करने के लिए, तो इसके बाद यहाँ से हम मिक्स को लेंगे, जो भी हमको आइसक्रीम बनानी है, चाहे वनीला, बटरस्कॉच, चॉकलेट, जो भी फ्लेवर हमको बनाना है, वहाँ से हमको मिक्स लेंगे। मिक्स लेने के बाद इस फ्लेवर टैंक के अंदर हम डाल देंगे। इस फ्लेवर अंदर के जो भी हमारा प्रोसेस होता है फ्लेवरिंग का, वो सारा प्रोसेस इसके अंदर किया जाता है। जो भी हमारा रेसिपी है, चाहे फ्लेवर मैंगो हो, स्ट्रॉबेरी हो, बटरस्कॉच हो, फ्लेवर और कलर बराबर मात्रा में नाप करके इस टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो इसका कनेक्शन इस मशीन के साथ दे दिया जाता है। इस मशीन को बोलते हैं कॉन्टीन्यूस फ्रीज़र, जो कि फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। जो फाइनल जो आइसक्रीम बनती है वो यही मशीन बनाती है। तो यहाँ से होता क्या है, इसका कनेक्शन इसके अंदर दे दिया जाता है, ये ऑटोमेटिकली फ्लेवर को अपने अंदर लेती है और यहाँ से फाइनल आइसक्रीम बना के निकालती है। और यहाँ पे 2 स्टेप्स आते हैं, या तो आप मैन्युअली पैकिंग करेंगे या ऑटोमेटिकली पैकिंग करेंगे। मैन्युअली पैकिंग के लिए आप डायरेक्टली यहीं से फिलिंग कर सकते हैं, और अगर ऑटोमेटिकली फिलिंग करनी है तो इसका कनेक्शन डायरेक्टली इस मशीन के साथ दे दिया जाता है। इस मशीन को बोलते हैं कप एंड कोन फिलिंग मशीन, जो कि 1 घंटे में 3000 कप
या कोन ऑटोमेटिकली पैक कर सकती है। इस मशीन के अंदर सारा सेशन ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। ये सेंसर है जो कि सेंस करता है कप या कोन को, ये चॉकलेट स्प्रे करता है, ये आइसक्रीम को फिल करता है, ये टॉपिंग करता है, ये ड्राई फ्रूट्स डालता है, ये लिड स्टेशन है, ये कोन क्लोजर है और ये आउट कर देता है। तो पूरा स्टेशन जो है सारा कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये तो मैंने आपको बताया मशीन वर्क कैसे करती है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव बनाई कैसे जाती है आइसक्रीम। तो सर वो नेक्स्ट फ्लोर पर हम जाकर वो देखने वाले हैं कि लाइव मशीन भी कैसे वर्क करती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लाइव देखेंगे कि सारा प्रोसेस जो मैंने बताया है वो कैसे एक फैक्ट्री में किया जाता है और कैसे आइसक्रीम बना के उसकी फिलिंग की जाती है। सर काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई इस तरह के प्लांट को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। जी बिल्कुल, अभी प्रधानमंत्री योजना के अनुसार अभी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं जहाँ से फूड और एग्रीकल्चर बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडी लेके आ रही है जो कि 25% लेकर 35% तक अवेलेबल है। जी, और सर मैं एक प्लांट को सेटअप करने के लिए कितना एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, एक बार वो भी जानना चाहता हूँ कि जिससे लोग बाग कंट्रैक्ट हो और चीज़ों के बारे में पता चल पाए उनको। देखिए अगर स्पेस की मैं बात करूँ तो वो डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा सेटअप है, आप कितनी बड़ी कैपेसिटी पे आप जाना चाह रहे हैं। जो सबसे छोटा सेटअप है वो 200 लीटर का कैपेसिटी है और सबसे बड़ा सेटअप जो है वो 1000 लीटर कैपेसिटी है। तो अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो 1000 स्क्वायर फीट का स्पेस आपके लिए पर्याप्त है। और इसके हिसाब से आप मॉडिफाई भी करा सकते हैं, जैसे कि आपने बोला 200 लीटर के हिसाब से, तो टैंक का जो साइज है उसको कस्टमाइज या मॉडिफाई भी करा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो भी आपकी स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है, जो भी आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको प्लांट बना के हम दे देते हैं। सर अपने पीछे मशीनरी का सेटअप तो देख लिया, ये आइसक्रीम जो कार्ट है इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर? देखिए आइसक्रीम बन तो जाती है लेकिन उसको बेचने के लिए थोड़ा सा वो चैलेंज आता है कस्टमर को। सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो मार्केट में ट्रेंड है, वो है आइसक्रीम ट्रॉली। आपने मार्केट में देखेंगे अमूल, वाडीलाल, हैमो, इन सब के ट्रॉलियाँ होती हैं। इस ट्रॉली में होता क्या है, एक फ्रीज़र आपको दिया जाता है जो कि 200 लीटर कैपेसिटी का होता है। इस फ्रीज़र की खासियत मैं बताऊँ आपको, ये 12 घंटे 10 घंटे की बैकअप के साथ आता है, यानी आपको रात में इसको चार्जिंग पे लगाना है और दिन में आपको मार्केट में सेल करना है। इसमें एट अ टाइम इसमें 4 से 5 हज़ार रुपये तक का मटेरियल स्टोर कर सकते हैं और आप डेली सेल कर सकते हैं। इसमें आपको ब्रांडिंग अगर चाहिए, जो कनोपी होता है और जो स्टिकर होता है आपके नाम का, आपके लोगों का, ये कंपनी आपको करवा के देगी। तो ये मॉडिफाई कस्टमाइज वगैरह भी आपके रिक्वायरमेंट बिल्कुल हो सकता है, ये आपके चॉइस के ऊपर है आपको किस तरह से मार्केट करना है, क्योंकि ये रिक्शा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट है, आपके लोगों का प्रचार भी करता है और आपकी सेल भी करता है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आइसक्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए होता है आइसक्रीम का मिक्स, और मिक्स हम बनाने वाले हैं हम अमूल दूध से। ये मेरे पास अमूल दूध है, 6 लीटर का पैकेट है और आज पूरा का पूरा 600 लीटर दूध जाने वाला है। आइए मैं आपको समझाता हूँ उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास पैश्चराइजर टैंक होता है जो कि एक तरह से बॉयलर कह सकते हैं या दूध को गर्म करने वाला टैंक होता है। दूध को खोल करके इसके अंदर डाला जाता है, उसके अंदर चीनी, लिक्विड ग्लूकोज, प्रिजर्वेटिव, सारी चीज़ें उसमें बराबर मात्रा में रेसिपी के अनुसार डाली जाती है। इसको 80-85 डिग्री तक इसको उबाल करके इसको पकाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर मीटर है, ये भी 42 डिग्री पे है। इसको 80-85 तक ले जाएंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद इसको हम फर्दर आगे मशीन पे ट्रांसफ़र भेज देंगे। जैसे ही हमारा मिक्स तैयार हो जाता है, इसको प्रोसेस करके वाल्व खोल करके हम आगे भेज देते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये है मिल्क फिल्टर, यानी कि मिल्क में अगर कुछ पार्टिकल अगर आ जाता है, कोई कंकड़ पत्थर बाल वगैरह कुछ भी, अगर इनकेस कुछ भी पार्टिकल अगर आता है तो ये मिल्क फिल्टर क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं, मतलब प्योर करके आगे उसको ट्रांसफ़र करते हैं। आगे मिल्क पंप लगी हुई है, मिल्क पंप क्या करती है, वहाँ से मिक्स को ट्रांसफ़र करती है आगे के स्टेज पे। आगे जब मिक्स प्रोसेस होता है यहाँ पे आता है, इसको हम बोलते हैं मिल्क होमोजेनाइज़र। मिल्क होमोजेनाइज़र क्या करता है, मिल्क और जो मिल्क में मिले हुए रॉ मटेरियल है, जो भी पार्टिकल मिले हुए हैं, उसको अच्छी तरह से पीस देता है, उसको होमोजेनाइज़ कर देता है। उसके बाद होता क्या है, जो भी कर्ण होते हैं मिल्क के अंदर, जो भी पार्टिकल होते हैं बराबर मात्रा में वो माइक्रो लेवल पे ब्रेक हो जाते हैं। इससे होता क्या है, आइसक्रीम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद जब होमोजेनाइज हो जाता है तो मिक्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस टैंक के अंदर। इस टैंक को बोलते हैं एजिंग टैंक, यानी कि दूध ठंडा करने का प्रोसेस। दूध गर्म कर दिया, होमोजेनाइज कर दिया, इसके बाद हम दूध को ठंडा करेंगे। दूध ठंडा करने के लिए ये जो है कंप्रेसर इसमें लगा हुआ होता है और 4 डिग्री पे ला के दूध को यहाँ पे इसको छोड़ देता है। जब ये तो सर ये सारे स्टेप्स देखने के बाद में फिर आगे और कौन कौन से स्टेप्स अवेलेबल है सर? इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो फ्लेवरिंग का प्रोसेस होगा,
दूध यहाँ से लेकर के हम फ्लेवर बनाएंगे, फ्लेवर बनाने के बाद फाइनल आइसक्रीम बनाएंगे। तो यहाँ से हमने मिक्स निकाल लिया है, मिक्स निकालने के बाद जितना भी क्वांटिटी हमको चाहिए उसको मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद उसको हम इस फ्लेवर टैंक के अंदर डालेंगे। फ्लेवर टैंक में डालने के बाद जो प्रक्रिया हम करेंगे वो फ्लेवरिंग और कलरिंग का करेंगे। तो इस वाले फ्लेवर टैंक में मैं बनाने वाला हूँ स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर। एक टैंक आप यहाँ पे भी देख रहे हैं फ्लेवर टैंक, इस वाले टैंक में बना के दिखाऊँ आपको वनीला का फ्लेवर। तो ये हमने फ्लेवर टैंक में मिक्स डाल दिया है, ये भी 15 लीटर का मिक्स है। अभी फिर ट्रायल के लिए हम लोग दिखा रहे हैं, ये पूरा टैंक जो है 100 लीटर का है, तो आप एट अ टाइम 100 लीटर आइसक्रीम भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक बीकर है जहाँ पे मेजरमेंट्स लिखे होते हैं कितना ml क्वांटिटी है। तो ये भी फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इसको मैं इसके अंदर डालूँगा। इसकी प्रॉपर रेसिपी होती है, प्रॉपर इसका मेजरमेंट कैलकुलेशन होती है कितने लीटर में कितना फ्लेवर डालना है। जितनी कैलकुलेशन है जो हम आपको रेसिपी प्रोवाइड करते हैं उतना ही एक्यूरेट नापना है। कम डाल देंगे तो फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा, ज़्यादा डाल देंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा कड़वापन फील होगा, वो भी नहीं करना है। तो बिल्कुल प्रसाइज कैलकुलेटेड वे में डालना है। दूसरे बीकर में मैंने ले लिया है पिंक कलर जो कि स्ट्रॉबेरी का कलर होता है, इसको भी मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। ये भी प्रॉपर कैलकुलेट करके ही डालना है, ज़्यादा कलर डाल देंगे वो भी ठीक नहीं है, कलर कम भी आएगा तो भी ठीक नहीं है। जो भी हमने कलर एंड फ्लेवर ऐड किया हुआ है इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे ताकि मिक्स के अंदर पूरा जो फ्लेवर है अच्छे से घुल जाए और यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। हमें अब बारी आ गई है, इसमें हम डालेंगे वनीला फ्लेवर, क्योंकि हमको जो बनाना है वो डबल फ्लेवर बनाना है, एक साइड वनीला और एक साइड स्ट्रॉबेरी। तो ये भी हमने नाप करके 15 लीटर ले लिया है, इसमें भी जो हम फ्लेवर डालेंगे वो भी नाप के डालेंगे। तो सर ये जो प्रोसेस चल रहा है अभी, इस प्रोसेस के बाद में अप्रोक्स कितने टाइम में जो आइसक्रीम का हमारी रेडी हो जाएगी? वो ये फ्लेवर डालने के बाद हार्डली 5 से 6 मिनट लेगा, ये मशीन 5 से 6 मिनट में आइसक्रीम बना देगी, दे देगी, उसके बाद डायरेक्टली आप फिलिंग अपनी चालू कर सकते हैं। हमने फ्लेवर ऐड कर दिए हैं, एक तरफ से स्ट्रॉबेरी आ रहा है, एक तरफ से वनीला आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ मिक्स आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। ये आप देख सकते हैं एक तरफ से स्ट्रॉबेरी और एक तरफ से वनीला। तो ये कितने केजी की पैकिंग हो रही है सर अभी? ये भी 4 लीटर का पैक बन रहा है जो कि बल्क पैक होता है, और ये शादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, जो केटरिंग में आते हैं या पार्लर सेटअप के लिए है, खुद के पार्लर में भी आइसक्रीम बेच सकते हैं। वेडिंग्स के लिए बहुत अच्छा है कि वेडिंग में आप अपनी आइसक्रीम को सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा सर और भी कलर में हम आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल फ्लेवर भी बना सकते हैं, चाहे तो डबल फ्लेवर भी बना सकते हैं। सिंगल ऑप्शन भी है, डबल ऑप्शन भी है। और क्या आउटपुट निकालती है सर मशीन का? ये मशीन जो है 1 घंटे में 200 लीटर आइसक्रीम बना सकती है। अगर डबल फ्लेवर में ले रहे हैं तो ये 400 लीटर आइसक्रीम 1 घंटे की आउटपुट दे सकती है। यहाँ से फिलिंग कर दिया जाता है, इसके बाद इसका वजन नापा जाता है कि आइसक्रीम कितनी आ रही है। अच्छी आइसक्रीम जो होती है ओवररन जो हवा होता है उसका वो एक्यूरेट होना चाहिए। 4 अगर लीटर का वजन है तो आपका एक्यूरेट 2 से ऊपर हल्का सा वजन आना चाहिए। 2 kg से नीचे अगर आप आइसक्रीम बना रहे हैं तो मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी की आइसक्रीम है। 2 किलो से 2.5 किलो तक अगर आप दे रहे हैं तो मतलब आप बहुत प्रीमियम आइसक्रीम दे रहे हैं। तो ये वजन का मार्क भी होना बहुत ज़रूरी है। तो सर इस मशीन के अलावा बाद में फिर आप कौन सा स्टेप करने वाले हैं जिससे ये इतनी हार्डली हो रही है? आइसक्रीम बना ली जाती है, पैक कर ली जाती है, तो क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है अभी इसको मार्केट में नहीं बेच सकते, इसको हार्ड करना ज़रूरी है। उसको पैक करके इसको टनल हार्डनर में डाल के इसकी हार्डनिंग की जाती है। हार्डनिंग मशीन मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी मशीन होती है। ये मशीन आप देख रहे हैं जो चल रही है, ये हार्डनिंग मशीन होती है जो कि -25 पे अभी वर्क कर रही है। ये -30-35 तक भी जाती है। इसके अंदर अपना जो भी मटेरियल पैक हो रहा है इसको रख के थोड़ी देर आधे घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है ताकि आइसक्रीम हार्ड हो जाए। अभी जो पैक हमने बनाया हुआ है इसको हम हार्डनर में डाल देंगे। तो सर ये जो पैक है अब कितनी देर में रेडी हो जाएगा हार्डनिंग होकर? ये आधे घंटे में पूरा ब्लॉक एकदम हार्ड हो जाएगा, पत्थर जैसा सॉलिड हो जाएगा। इसके बाद चाहे हमको मार्केट में बेचना है मार्केट में डाल सकते हैं, या अपने फ्रीजर में या कोल्ड रूम में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। और सर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो पैकेजिंग का क्या स्टेप है? पैकेजिंग 2 तरह से होता है, या तो आप मैनुअली जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, अगर ऑटोमेटिकली करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑटोमेटिक लाइन होती है जो कि कपकोन मशीन होती है, वो ऑटोमेटिकली कपकोन फिलिंग आपको करके दे देगी। बैकग्राउंड में जो हम मोल्ड्स देख पा रहे हैं ये
किस टाइप के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए? देखिए, अभी जो आपने सेटअप देखा वो क्रीम आइसक्रीम का था, या कोन कह लो, कप कह लो, ब्लॉक कह लो। अगर आपको स्टिक आइसक्रीम भी बनानी है, चाहे चोकोबार हो गया, ऑरेंज कुल्फी, ये सब स्टिक आइसक्रीम में आता है, तो इसके लिए भी सेटअप मेरे पास अवेलेबल होता है। ये जो आप मोल्ड जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब अलग अलग तरह तरह के कैपेसिटी के मोल्ड्स हैं। कुछ कुल्फ़ी के भी हैं, जैसे आप कुल्फ़ी आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो कुल्फ़ी बनती हैं वो लंबी वाली कुल्फ़ी है, पंजाबी कुल्फ़ी बोलते हैं। ऐसे ही दूसरे मोल्ड्स हैं, इसमें आप ऑरेंज बार, बबल गम वगैरह जो आपको बनाना है, मैंगो आइसक्रीम डॉली वो बना सकते हैं। ऐसे कुछ और मोल्ड्स हैं डिफरेंट शेप साइज़ के, ये भी हैं। तो अलग अलग ml, अलग अलग शेप साइज़ के यहाँ मोल्ड अवेलेबल होते हैं। ओके, और सर इस तरह की जो आइसक्रीम की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसको जो कस्टमर चाहते हैं कि भाई इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी आप करा देते हैं? बिल्कुल, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका खुद का सपना है कि एक आइसक्रीम ब्रांड खुद का बनाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लागत ना लगा करके आप अपनी पैकेजिंग बनवा सकते हैं, पैकेजिंग हमारे पास भेज सकते हैं, और आपके जो भी फ्लेवर्स हैं वो हम आपका थर्ड पार्टी बना के आपको देंगे। तो सर एक क्वांटिटी कितनी MOQ की रिक्वायरमेंट होगी हमें थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम जो मिनिमम ऑर्डर होता है वो 1.5 से 2 लाख का ऑर्डर होता है फर्स्ट टाइम। फिर आपको जो रिपीट ऑर्डर आता रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। देखिए, आइसक्रीम बन गई, पैकेजिंग भी हो गई है, अब स्टोरेज की बात आती है। तो स्टोरेज के लिए या तो आपके पास खुद के फ्रीज़र होने चाहिए, या एक बड़ा कोल्ड रूम होना चाहिए। बड़े काम के लिए आपके पास एक कोल्ड रूम होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितनी ज़्यादा स्टोरेज आपके पास होगी, उतना ही आपके पास एक स्टॉक अवेलेबल होगा। कोल्ड रूम अंदर दिखता कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, ये कोल्ड रूम है, इसमें -25 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, काफ़ी ठंड होती है इसके अंदर। सारा स्टॉक आपको लगा के रखना होता है, 10 रुपये वाली आइटम, 20 रुपये वाली आइटम, कप हो गया, कोन हो गया, आप सारा अरेंज करके रख सकते हैं। ये स्टॉक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक ही डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। सर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर और प्रोडक्शन से लेकर, मशीनरी से लेकर सारा कुछ देख लिया। अब बात करते हैं सर कि इस तरह के प्लांट्स को लगाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हुई और क्या प्रॉफिट मार्जिन हमको मिलने वाला है इसमें? देखिए, पूरी प्रोजेक्ट की मैं अगर बात करूं तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो मशीन, रॉ मटेरियल और पैकेजिंग, ये तीनों मिलाकर के होती है। सिर्फ मशीन की मैं अगर बात करूं तो स्मॉलेस्ट कैपेसिटी जो है 200 लीटर का प्लांट का सेटअप है, ये 15 लाख तक का सेटअप आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट आती है वो आपको लगभग 30 से 35 लाख रुपए की कॉस्टिंग आएगी, इंक्लूडिंग मशीनरी, रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल। और प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूँ तो सर कितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आइसक्रीम इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ज़्यादा है। दूध की कोई भी अगर इंडस्ट्री हम देखते हैं, चाहे वो मिल्क हो, दही हो, लस्सी हो, कर्ड हो, बटर हो, दूध के जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें इतना मुनाफा नहीं है जितना आइसक्रीम में है। आइसक्रीम अगर आप बना के अगर मार्केट में सेल करते हैं तो आप नेट प्रॉफिट जो है वो 40% तक इनकम कमा सकते हैं आप। और सर जो लोग भी इस तरह का प्लांट लगवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये सीजन है आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए, तो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर, और क्या प्लांट की आपकी लोकेशन रहेगी जो लोग विजिट भी करना चाहते हैं आपके साथ में? देखिए, अगर आप नेक्स्ट सीज़न 2025 का अगर पकड़ना चाह रहे हैं, मार्केट में आइसक्रीम ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल राइट समय है आपको ऑर्डर देने का, बिकॉज ऑर्डर देने के बाद कम से कम 20 से 22 दिन लगता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और वहाँ पे जब इंस्टॉल होगा तो कम से कम 1.5 महीना लग जाता है पूरा प्रोसेस में। आप रॉ मटेरियल बनवाएंगे, पैकिंग मटेरियल बनवाएंगे, सारा काम करेंगे, तो लगभग 2-2.5 महीने का पूरा एक टाइम निकल जाता है। तो ये परफेक्ट टाइम है आपकी प्लानिंग के लिए, आप इसी टाइम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर मार्च में आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकें। तो अगर आपको इस बिज़नेस में आना है तो डायमंड इंजीनियरिंग वर्क्स आप सर्च कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप सेल्स टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी diamond.churners@gmail.com पे इंक्वायरी भी डाल सकते हैं।